क्या जेडीयू में शरद यादव के लौट कर आने की उम्मीद बाकी है? क्या लालू को झटका देकर जेडीयू में लौट कर आएंगे शरद यादव? बिहार में महागठबंधन टूटने से नाराज शरद यादव भले ही जेडीयू के खिलाफ बगावती बिगुल बजा रहे हों, लेकिन पार्टी के कई नेताओं को अब भी ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन शरद यादव लालू का हाथ झटक कर जेडीयू में जरूर वापस आएंगे। नीतीश सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव पार्टी लाइन से हटकर ये उम्मीद जता रहे हैं कि शरद यादव एक ना एक दिन जेडीयू में जरूर वापसी करेंगे। इतना ही नहीं, एक दौरे में शरद यादव के बेहद करीबी रहे विजेंद्र यादव ने शरद यादव से पार्टी में वापस लौटने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहाँ उनकी छवि खराब हो सकती है। बकौल विजेंद्र यादव, वो गलत लोगों के साथ चले गए हैं। वो जिस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं वो न तो उनके लिए ठीक है और न ही बिहार के हित में है। इतना ही नहीं, असली और नकली जेडीयू से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए विजेंद्र यादव ने दो टूक कह दिया कि कौन असली जेडीयू है और कौन नकली, इसका फैसला चुनाव आयोग कर चुका है। शरद गुट खुद को असली इसलिए बता रहा है क्योंकि कोई भी खुद को नकली नहीं बताता। इसके अलावा विजेंद्र यादव ने शरद गुट के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्हें शरद गुट का बताया गया था। ऊर्जा मंत्री ने दो टूक कह दिया कि मेरा नेता नीतीश कुमार है और वही रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो लोग जिस विचारधारा के साथ हैं उसकी न तो कोई दिशा है और न दशा। बहरहाल शरद यादव को लेकर विजेंद्र यादव की उम्मीदों में कितना दम है ये तो वही जाने, लेकिन इतना तो तय है कि जेडीयू में अभी भी शरद यादव के चाहने वाले जरूर हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शरद यादव के जेडीयू में वापस लौटने की उम्मीद कब तक हकीकत में तब्दील होती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।